अस्सलाम वालेकुम, एट क्लास, हाउ आर यू? आर यू फाइन? एट क्लास, आज हमारा साइंस का टॉपिक है पेज नंबर 93 पे, पीएच मीटर एंड इंडिकेटर्स। पीएच मीटर एंड इंडिकेटर्स क्या होते हैं? व्हाट इज़ पीएच मीटर एंड व्हाट इज़ इंडिकेटर्स? पीएच मीटर, दिस इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द एग्जैक्ट पीएच ऑफ द सोल्यूशन इज़ कॉल्ड पीएच मीटर। पीएच मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा आला है जिसकी मदद से किसी सॉल्यूशन की पीएच बिल्कुल दुरुस्त मालूम की जा सकती है। जैसे आप लोग देखें पिक में, ये क्या है, ये पीएच मीटर है और इससे सॉल्यूशन साथ लगा के, तो इसमें इसमें जो आला है पीएच मीटर, उसकी मदद से किसी सॉल्यूशन की जो दुरुस्त पीएच है, ये देखें ये सॉल्यूशन है, तो इसकी दुरुस्त पीएच यहाँ पे पीएच मीटर से मालूम की जा सकती है। When the indicator of, when the electrode of the pH meter is dipped in the solution, कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रोड pH meter के solution में डुबोया जाता है, the reading of its pH appear on the digital display of pH meter, तो digital जो स्क्रीन है उस पर पीएच की वैल्यू ज़ाहिर हो जाती है। जैसे ये 100 में आई हुई है, तो इसी तरह कह रहे हैं कि जब इसमें इसके इलेक्ट्रोड को डुबोया जाता है किसी भी सॉल्यूशन में, तो उस स्क्रीन पर उसकी पीएच वैल्यू ज़ाहिर हो जाती है। इसके बाद है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या है? मेजोरिटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस आर कलरलेस, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई देम बाय देयर अपेयरेंस। ज़्यादातर एसिड्स और जो बेसिस हैं वो बेरंग होते हैं, इसलिए इनकी पहचान ना मुमकिन होती है। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई वेदर अ सब्सटेंसेस इज एन एसिड और एल्की, इंडिकेटर्स आर यूज, कह रहे हैं कि किसी सोल्यूशन की एसिडिक एसिडिटी और जो एल्कलाइन है या न्यूट्रल होने की शनाख्त के लिए इसको इंडिकेटर्स को यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है कि आया कि कोई सोल्यूशन एसिडिक है, एल्कलाइन है या न्यूट्रल है, तो उससे इसकी जो अपेयरेंस है वो मालूम की जाती है इंडिकेटर से। एन इंडिकेटर इज़ अ सब्सटेंसेस दैट शो डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिस सॉल्यूशन। सम एग्जांपल्स ऑफ इंडिकेटर्स आर, इसमें वो बता रहे हैं कि जो किसी सॉल्यूशन की इंडिकेटर है वो इसके न्यूट्रल होने की जो इंडिकेटर है वो ऐसा मादा होता है जो एसिडिक और बेसिक में सॉल्यूशंस में डिफरेंट रंग को भी जाहिर करता है। जैसे कि कह रहे हैं कि इंडिकेटर के मिसालें हैं फिनोलेथीन, मेथाइल ओरेंज, लिटमिस, मिथाइल ओरेंज, लिटमिस, उसके बाद है टैरामेरिक जो चाइना रोज़, हल्दी और सुर्ख गोभी, चाइना रोज़ एंड रेड कैबिज, सुर्ख गोभी वगैरह हैं। ये सारे एग्जांपल्स हैं किसकी? इंडिकेटर की। ठीक है, ये हो गया इंडिकेटर। इसके बाद इंडिकेटर्स एंड द कलर इन एसिडिक एंड बेसिस सॉल्यूशन बताए गए हैं कि इंडिकेटर्स और के जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस हैं वो बताए गए हैं कि लिटमस वॉयलेट, उसमें जो लिटमस है वो जामनी होता है। उसके बाद जो फिनोलेथीन है वो उसका कलरलेस होता है। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज होता है, रेड ब्लू, और उसके बाद कलरलेस इसमें पिंक होता है एसिड में, और बेस में ये पिंक होता है, एसिड में ये रेड होता है, और ये इसमें बेस में ये येलो होता है। ठीक है, ये टेबल बताया गया। आज आप लोगों ने यही करना है एट क्लास, यहाँ तक होमवर्क में भी आप लोगों ने पीएच मीटर और इंडिकेटर्स लिखने हैं। ये दोनों आप लोगों को शॉर्ट में भी आ सकते हैं क्वेश्चन के, व्हाट इज़ पीएच मीटर एंड व्हाट इज़ इंडिकेटर, और वैसे भी आप लोग उसे ये लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं दोनों इकट्ठे। तो आप लोगों ने ये होमवर्क में भी लिखने हैं और इन्हें आप लोगों ने याद भी करना है। ठीक है।